अखंडानंद बोधाय सच्चिदानंद रूपाय परम ब्रह्म व्यासाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, सरस्वती माता की, गायत्री माता की। प्रिय भक्तों, आज आप गोल्ड ऑडियो कैसेट कंपनी के माध्यम से मेरे द्वारा तोता का ब्याह श्रवण करने चल रहे हैं। हमारे बारे में आप जानते हैं, मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, ग्राम पीपरसन, पोस्ट बंदी नगर, जिला बाराबंकी। मेरे सहयोगी नकारा पर झब्बूलाल, ढोलक ओम प्रकाश, कैसियो अवधराम, झीका रामशरण और मंजीरा रमेश चंद सहयोगी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो आइए इस विचित्र प्रसंग को आप श्रवण करें। कैसी एकता की भावना होती है पक्षियों में। इस प्रसंग को सुन करके हम अपने पर धारण करें, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति करें। तो आइए कहना है, एक किस्ता सुनो तुमको सुनाता हूँ मैं आज, ब्याह तोता का कहता हूँ जो ये सुनिए जनाब, ब्याह तोता का कहता हूँ जो ये सुनिए जनाब। सुआयक समय सोच मन में अपने की ना है, सुआयक समय सोच मन में अपने की ना है, सब कुछ दिया विधाता नारी एक ना दीना है। बंदो, तोता पक्षी अपने स्थान पर बैठा विचार विमर्श कर रहा है, परमात्मा ने मेरे सब कुछ दिया लेकिन एक नारी न दिया। और भक्तों, बिना नारी के नर अधूरा है। जिस घर में नारी नहीं है वो घर शमशान के समान लगता है। एक पक्षी तोता की भावना को देखें भक्त, नारी के बिना व्याकुल है। बंदो, स्वानिज मन मा करई विचार, स्वानिज मन मा करई विचार, पूर्यो तब महाविपिन के मझार, तहां पिव पिव की करे पुकार, सुआयक नारी तब लख पाए। बंदो, तोता पक्षी सोचता है, मेरे परमात्मा ने सब कुछ दिया लेकिन एक नारी न दिया। आज ऐसा विचार विमर्श करके वहां से चल देता है। एक घनघोर जंगल में गया, वहां पर एक मादा वृक्ष की डाली पर बैठी पिया पिया की पुकार कर रही है, तहां पिव पिव की करे पुकार, तहां पिव पिव की करे पुकार, सुआयक नारी तब लख पाए, लग्यो सुगना के बिरहा बान, पहुंची गयो तब ही कहीं डार, पहुंची गयो तब ही कहीं डार। ऐसा सोच करके तोता घनघोर जंगल में गया, वहां पर एक मादा वृक्ष की डाली पर पिया पिया की पुकार कर रही है। वो है कौन भैया लोग ध्यान दें, ये कर रहा है पपीहा की लड़की। भक्त हमारे ध्यान दें,
एक रहे पपीहा की लड़की दिन बहुत गरीबी के आए। भाई बिटिया बहुत सयान मगर पित ब्याहन वही का कर पाए। बंदो पपीहा की लड़की थी, जवान थी, पिता गरीबी हालत में ब्याह न कर पाए। और भक्तों आज हमारे समाज में जब से दहेज राक्षस ने डेरा डाला है, समाज में कितनी हानि फैली, न जाने कितनी लड़कियां अपनी जान को गंवा देती हैं। भक्तों इस दहेज राक्षस ने जिससे जब से डेरा डाला है हमारे देश को बर्बाद कर दिया। एक लड़की अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझको वहां मत भेजना जहां लोग दहेज मांग रहे हैं। कहती क्या है, जैबे ना दहेज वाली गलियन में, जैबे ना दहेज वाली गलियन में, चाहे सिंदूरा न लागे मेरी मांगियन में। जैबे ना दहेज वाली गलियन में, चाहे सिंदूरा न लागे मेरी मांगियन में। कहती है, पिताजी मुझको वहां मत भेजना जहां लोग दहेज मांग रहे हो। सुनो पिताजी, हमरे बीरा नवाता मड़ई छवाए दी है, हमरे बीरा नवाता मड़ई छवाए दी है, हमारी भाऊजिया तो धोतिया मंगाए दी है, दाग लगाए ना देबे चुनरियन में, चाहे सिंदूरा न लागे मेरी मंगियन में। अपनी भौजिया को ललना खिलाए ले बे, कहती है पिताजी मुझको वहां मत भेजना जहां लोग दहेज मांग रहे हैं। अपनी भौजिया को ललना खिलाए ले बे, सुखी रुखी खाए के उमरिया बिताए दी बे, दाग लगाए ना दे बे इज्जतियन में, चाहे सिंदूरा न लागे मेरी मंगियन में। सखी संग खेली कूदी सखी संग सयान भैली, सखी संग खेली कूदी सखी संग सयान भैली, सखी संग हेली मेली सखी संग जवान भैली, नाही तो जलाए दे हैं ससुररियन में, चाहे सिंदूरा न लागे मेरी मंगियन में।
जब से इस दहेज राक्षस ने डेरा डाला है, समाज को बर्बाद कर डाला। आज वो पपीहा की लड़की जवान है, पिता गरीबी हालत में ब्याह न कर पाए। भक्तो, है चढ़ी जवानी फिरे दीवानी। जब युवा अवस्था होती तो कुछ नहीं दिखता, लड़की जवान हुई, पिता गरीबी हालत में ब्याह न कर पाए। है चढ़ी जवानी फिरे दीवानी, धाम पिता का तज दीना। है चढ़ी जवानी फिरे दीवानी, धाम पिता का तज दीना। बिन पिया के कुछ ना नीक लगे, जय जय भैया। बिन पिया के कुछ ना नीक लगे, मन मा पिया पिया तब रटकी ना। लड़की जवान हुई, पिता गरीबी हालत में ब्याह न कर पाए। युवा अवस्था में जानते हो नशा सवार होता तो कुछ नहीं दिखता है। लड़की ने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, निकल पड़ी घनघोर जंगल में। एक वृक्ष की डाली पर बैठी पिया पिया की पुकार कर रही है। भक्तों, तोता जाता है उसके पास, तोता जाता है उसके पास, प्रेम से तोता उससे बोला। तब धरी कांधे पर हाथ सुआ। भैया लोग ध्यान दे, तोता उसके पास गया, प्रेम से कांधे पर हाथ धर करके बोला। तब धरी कांधे पर हाथ सुआ, नारी से अस तब बोला है। तोता उसके पास गया, प्रेम से कांधे पर हाथ धर करके बोला। तब धरी कांधे पर हाथ सुआ, नारी से अस तब बोला है। तुम प्यू प्यू करो पुकार, तनु को हमरो तो जुड़ावई चोला है। उससे कहने लगा, थोड़ा पिया पिया की पुकार सुना दो तो हमारो जीरा जुड़ाए जाए। लड़की तिरछी नजर करके बोल पड़ी, तब आंख मारी बिटिया बोली। लड़की तिरछी नजर करके बोल पड़ी तोता से, तब आंख मारी बिटिया बोली, अब ऐसी बात कहो नहीं। यो रूप देखी तुम्हारो सुगना, रूप देखी तुमरो सुगना, हमरो जियरा लागे नाही। लड़की तिरछी नजर करके बोल पड़ी, अरे कात का तुम्हारो रूप देख के हमारो मन नहीं लगत। तोता सोचने लगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे दवाई मिली गई। बड़ा मगन हो गया बंधु। तोता सोचे लगा, अगर रात यहीं रुक के मिल जाते तो बड़ा आनंद औतो। प्रेम से डाल पर बैठे दोनों बातचीत करते हैं। सवेरे से संजा हो गई, हुई गई सवेरे से संजा। तोता सोचे लगा, अगर रात यहीं रुक के मिल जाए तो बड़ा आनंद औतो। हुई गई सवेरे से संजा, सुगना नारी के घर रही गो। गई सवेरे से संझा, सुगना नारी के घर रही गो। तब करी के प्रेम प्रमोदय पार, तब करी के प्रेम प्रमोदय पार, तब दोनों एक ही मार रही गे। सवेरे से संजा हो गई, रात्रि मौत से मौज से बीती। बंदो, जब सवेरा हुआ तोता सोचे लगा, अब घर हो चले चाहिए। बंदो, तोता सोचने लगा, अब घर को भी चलना चाहिए। जब तोता चलने को तैयार हुआ, तब भयो भोर सुआ चलन कहो। जैसे चलने को तैयार हुआ तोता, नारी ने पकड़ लिया कलाई, हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो, हम भी साथ में चलेंगी। तब भयो भोर सुआ चलन कहो, फिर नारी बोली मुस्काई। तब भयो भोर सुआ चलन कहो, फिर नारी बोली मुस्काई।
अब हमका छोड़ी कहाँ जई हो, अब हमका छोड़ी कहाँ जई हो, हम हुकले चलो संग भाई। नारी ने पकड़ लिया कलाई, हम भी साथ में चलेंगे, हमको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। तोता बड़ा मंगन हो गया, तोता बड़ा मंगन हो गया, सोचे लगा फ्री फंड की नारी मिल गई, बंदो बड़ा प्रसन्न हो गया तोता। चल देते हैं दोनों, दोनों चल देते हैं एक साथ में। भयो सुआ मगन मन मा बहुतक, इतना मगन खुशी के मारे फूले ना समाए। भयो सुआ मगन मन मा बहुतक, हम मेहरारू मन की पावा। तोता कहा लगा घरवाली बड़ी मन की मिली, और जब मेहरुआ मन की हो तब तो आनंद होते। भयो सुआ मगन मन मा बहुतक, हम मेहरारू मन की पावा। उड़ी चले दोनों तब एक साथ, उड़ी चले दोनों तब एक साथ, संध्या का अपने घर आवा। तोता कहने लगा घरवाली बड़ी मन की मिली, और भैया लोगन जब मेहरुआ मन की हो तो देखो कितना खुशी के मारे लड्डू फूटत लड्डू। तोता बड़ा मगन, दोनों घर को आए। बंदो जब घर को आता है तोता, तोता सोचने लगा घरवाली तो ले आए, लेकिन ब्याह तो कर डारे, कुंवरपन तो उतारिए डारे। भक्तो विवाह करने के लिए पंडित के पास गया, पंडित कौन है श्रोता भैया ध्यान दे। तब जाए तुरंत बगुला पंडित से, तोता बगुला पंडित के पास गयो, कहा लगा काका हमें सहित बता दे कौने दिन हमार शादी बनी। भक्तो तब जाए तुरंत बगुला पंडित से, पूछन लाग सलाह सुनो। तब जाए तुरंत बगुला पंडित से, पूछन लाग सलाह सुनो। काका बतलाए दो सहित हमें, काका बतलाए दो सहित हमें, कौने दिन बने ब्याह सुनो। तोता बगुला पंडित के पास गया, कहा लगा काका हमें सहित बता दो कौने दिन हमार शादी बनी है। बगुला पंडित बड़े मगन, और पंडित महाराज जब दक्षिणा का नाम लो तो बड़ा लालच आई जाते। बगुला पंडित बड़ा मगन, सोचे लगा थोड़ा मेहनत से लगन बनावे जैसे दक्षिणा ज्यादा मिले। पोती पत्रा खोल खोल के देखे लागे, बंदो बगुला पंडित ज्योतिष पढ़ी कहे, पत्रा पलट पलट देखे, सोचे लगे थोड़ा देर लगावे लगन बनावे जैसे दक्षिणा ज्यादा मिली जाए। बगुला पंडित ज्योतिष पढ़ी कहे, बहुतक तरकीब भिराए दीन। बगुला पंडित ज्योतिष पढ़ी कहे, बहुतक तरकीब भिराए दीन। परसों तुम करो विवाह अपना, परसों तुम करो विवाह अपना, बड़ी नीक लगन हम बनाए दीन। बगुला पंडित पन्ना पलट पलट देखे लागे, कहे लागे भैया याके लगन मिलत दूसर लगन बनत नाए। देखो परसों शादी करियो बड़ी बढ़िया लगन बनावा, और सुनो भैया तोता बटवाए दो न्योता होती भोर, सवेरा होते हो चारों तरफ न्योता बटवाए दो जैसे रिश्तेदारे को छूटे न पावे। बटवाए दो न्योता होती भोर, सामान सकल सजवा लीजे। बटवाए दो न्योता होती भोर, सामान सकल सजवा लीजे। प्रेम से करो विवाह अपना, प्रेम से करो विवाह अपना, सब नातेदार बुला लीजे।
पंडित कहा लगे भैया सवेरा होते हो चारी तरफ न्योता बटवा दो जिसे को रिश्तेदार छूटे न पावे। तोता बड़ा प्रसन्न लग्न पत्रिका लेकर के घर को आया। जैसे लग्न पत्रिका लेकर के तोता घर को आया तब पड़ुकी मोहोक पपीहा। तोता गया पड़ुकी मोहोक पपीहा आज सबका जगावे लगा। तब पड़ुकी मोहोक पपीहा सबका मिल के जगावा है। तुम कुटना पिसना करो चले, तुम कुटना पिसना करो चले, मुड़े पर ब्याह अब आवा है। तोता गया पड़ुकी मोहोक पपीहा आदि सबका जगावे लगा। जल्दी से कुटना पिसना कर लियो मुड़े बिया आवे के बाद तुम लोग सत्तारी बैठे। जैसे पक्षियों ने सुना सुनता है खन खबर चिड़ैया सब। जैसे पक्षियों ने ऐसी सूचना सुनी फटाफट सभी चिड़ैया जाग गई। सुनता है खन खबर चिड़ैया सब जागी है काम शुरू की ना। और चिमगोदरी बड़ी मगन, चिमगोदरी बड़ी मगन सोचे लगी भैया के ब्याह में तो कोनो निशानी लेबे करी। और भैया एक विशेष बात है, नैहर में शादी हो भैया के ब्याह हो तो बहन 2 महीना एडवांस तैयारी करे लगे न्योता आवे चाहे ना आवे। सुनता खन खबर चिड़ैया सब जागी है काम शुरू की ना। चिमगोदरी बड़ी मगन काहे चिमगोदरी भैया की ब्याह में, काहे चिमगोदरी भैया की ब्याह में हम हो ल्यावे कौनो चीन्हा। चिमगोदरी बड़ी मंगन कहे लगी भैया के ब्याह में कोनो निशानी तो लेबे करही। भक्तो सभी पक्षियों ने कार्य शुरू कर दिया। तोता सोचे लगा न्योता बटवहूक है, अब नाऊ ठाकुर के पास जाए। नाऊ ठाकुर है कौन भैया लोग ध्यान दे, नाऊ ठाकुर है कौन। तब गयो गिद्ध के पास सुआ, नाऊ ठाकुर गिद्ध महाराज। तोता नाऊ ठाकुर गिद्ध के पास गया। तब गयो गिद्ध के पास सुआ वही से सब हाल बतायो है। तब गयो गिद्ध के पास सुआ वही से सब हाल बतायो है। न्योता बांटो तुम जाए जाए, न्योता बांटो तुम जाए जाए, मुड़े पर ब्याह अब आयो है। नाऊ ठाकुर गिद्ध के पास गया, भैया चारों तरफ न्योता बांटे और मुड़े ब्याह हुआ आएगा। जैसे नाऊ ठाकुर गिद्ध महाराज सुने प्रस्थान की तैयार हो गए। तोता कहा लगा सुनो भैया नाऊ ठाकुर, हो गए जहां तलक पहुंच तुम्हारी, जहां तक पहुंचियो तो पहुंचियो, ना ही तो दूर से आवाज लगा दो तोतक ब्याह है। हो गए जहां तलक पहुंच तुम्हारी तो घर घर जाए बांटिया हो। जहां पहुंच न होई तुम्हारी तो, जहां पहुंच न होई तुम्हारी तो उड़ी कहे चहु दिस गोहराए आयो। बंदो तोता कहा लगा जहां पहुंचियो तो पहुंचियो न दूर से गोहरा दो तोतक ब्याह है। जैसे गिद्ध महाराज सुने परसों ब्याह, अगर एक और रिश्तेदार छूट जी है न्योता ना पहे तो रिश्तेदारों नाराज हुई जी। गिद्ध महाराज 70-80 की स्पीड में भागे। और भैया गिद्ध की दृष्टि तेज होती, आप लोगों ने सुना होगा त्रेता में गिद्ध को 100 योजन 400 कोस दिखाई पड़ता था। आजकल हमारे पूर्वज कहते हैं गिद्ध को 80 कोस तक दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकों ने एक बात निकाली है, अगर गिद्ध की आंख मिल जाए और उस आंख को जमीन में गाड़ दिया जाए और उसी पर लहसुन का पेड़ लगाया जाए,
लहसुन का रस आंख में लगाया जाए तो जितने गिद्ध दिखा तो उतने आदमी दिखाई। लेकिन भैया गिद्ध है कहां? सरकार ने बड़ा जोर लगाया, गिद्धों का पता नहीं गिद्ध कहां चले गए। जैसे गिद्ध महाराज नव ठाकुर सुने 70-80 की स्पीड में भाग गए, एक और रिश्तेदार छूटे न पावे ने रिश्तेदारों नाराज हुई जी। इधर ब्याह की तैयारी हो रही है, गिद्ध न्योता बांट रहा है, तोता की फूफू पेड़ुकी कहे लगी बधावा लेके तो जेबे करब। तब पेड़ुकी फूफू अपने संग लेकर के चली बधावा है। तब पेड़ुकी फूफू अपने संग लेकर के चली बधावा है। और ढोलक और हारमोनियम वाले सब फ्री फंड। तलकौआ औकट खोर दूर, तलकौआ औकट खोर दू, मिलकर के ढोल बजावा है। कड़की बधावा लेकर के चली, तलकौआ कटखोर ढोलक बजावे, गाना बजाना वाले सब फ्री फंड, एक को पैसा ना आए। और नाचे वाली भी एकदम फ्री फंड। काली धोती कोयली पहिरे, भैया लोग ध्यान दे, कोयली काली धोती पहन लिया, लंबा घूंघट निकाल लिया, खूब कूद कूद के नाचे। काली धोती कोयली पहिरे तब राग मल्हार गाए रही। काली धोती कोयली पहिरे तब राग मल्हार गाए रही। मैना मौसी है बिगुल बजाती, मैना मौसी है बिगुल बजाती, मोहर पर पुजारी वा नाच रही। तलकौआ खटखोर ढोलक बजावे, कोयली लंबा घूंघट निकाली, खूब कूद कूद के नाचे। पेड़की तोता घर बधावा लिए जाए रही। और भक्तों, तोता की सगी बहिन टिटहोरी की न्यौता ही ना मिलो। और जो भैया के ब्याह हो, बहिनी की न्यौता ना मिले तो देखो कितना बड़ा नाराजगी। टिटहोरी है सुआ की बहिन सगी, टिटहुरी है सुआ की बहिन सगी, पर उसने न्योता ना पायो। टिटहुरी सुआ की बहिन सगी, पर उसने न्योता ना पायो। सुनी खबर बियाहे की बहना, सुनी खबर बियाहे की बहना, मनमा बहुत कह सोच लायो। बड़ा नाराज हुई, भैया के ब्याह में न्योता ना मिलो, रो रही है बेचारी, न्योताना दीन हो बीरन मेरे। बड़े बड़े आंसू निकाल करके रो रही है, भैया ने हमारे निमंत्रण नहीं दियो। न्योताना दीन हो बीरन मेरे, कीन हो अपमान बहुत भारी। न्योताना दीन हो बीरन मेरे, कीन हो अपमान बहुत भारी। रोवई बड़े बड़े असुअन बहिनी, रोवई बड़े बड़े असुअन बहिनी, अंगनामा गिरी उतान परी। अंगना में ऊपर टांगे करे उतान परी, वियोग में भैया ने हमारे निमंत्रण ना दियो। बड़े सोच में है बिचारी। और भक्तों, तोता का नाना खुसट को न्योता न मिलो। जब खुसट नाना सुना ब्याह, नाना खुसट का लगे हमरे नातिक शादी हो, हमें न्योता न मिलो, बड़ा नाराज। तब खुसट नाना सुना ब्याह, हम हु न्योता अब ना पावा, बड़ा गुस्सा चढ़ियावा, हमारे नातिक ब्याह हमें न्योता न मिलो। तब खुसट नाना सुना ब्याह,
हम हूं न्योता अब ना पावा। हाय बड़े जोर से खटखटान, हाय बड़े जोर से खटखटान, मन बहुत का गुस्सा चढ़ियावा। जय भैया नाना बड़ा नाराज, इतना जोर से खटखटाना गुस्सा चढ़ियावा। और तोता की नानी चकचुहिया कहे लगी, न्योता हो चाहे न हो, हम नातिक भी हैं, जइबे जरूर। चकचुहिया नानी तब बोली, चकचुहिया नानी तब बोली, मैं तो नाती के घर जई हो। बबुआ कहे लगा, देखी कैसे जई हो, न्योता उता कहूं ना ब्याह में जा रही, निमंत्रण में जा रही। चकचुहिया नानी तब बोली, मैं तो नाती के घर जई हो। तब घुघुआ पूत गरज बोला, तब घुघुआ पूत गरज बोला, बोनी तुम का न जाई द्या हो। चकचुहिया कह लगी, न्योता हो चाहे न हो, हम तो नातिक ब्याह हम जइबे जरूर। घुघुआ कह लगा, देखी कैसे जई हो, न्योता होता कहूं ना ब्याह के जाए रही। बंदो इधर गीध न्योता बांट रहा है, ब्याह की तैयारी हो रही है। तब सुन ब्याह है कि खबर सबे पक्षी तहां पर चली आए है। जैसे सभी पक्षियों ने सूचना सुनी विवाह की, तोता के दरवाजे पर आ जाते हैं। भक्त लोग देखें पक्षियों में कैसी एकता की भावना है, और हम मानव जाति में क्या स्थिति है, एक दूसरे को देख करके जलते वारे पक्षियों की एकता की भावना। तब सुन ब्याह है कि खबर सब पक्षी तहां पर चली आए है। गयो पहुंच सुआ के द्वार सभी, गयो पहुंच सुआ के द्वार सभी, बहुत कोहराम मचाए है। सभी पक्षी ब्याह की खबर सुनकर के तोता के दरवाजे पर आ जाते, बड़ा कोहराम मचा है तोता के दरवाजे पर, खूब नाच गान हो रहा है। कोई नाचे कोई गावे, कोई नाचे कोई गावे, और होवे राग मल्हार सुनो, खूब राग मल्हार हो रहे हैं। ढोलक हारमोनियम झिक्का मंजीरा वाले सब हुए जुटे। कोई नाचे कोई गावे, और होवे राग मल्हार सुनो, हाय बेसुमार पक्षी आए, हाय बेसुमार पक्षी आए, सब नात गरे रे बाग सुनो। तोता के दरवाजे पर बड़ा धूम मची, सभी रिश्तेदार बाग गरे रे, खूब गोहराम मचा है, खूब नाच गाना हो रहा है, राग मल्हार हो रहे हैं। कैसे श्रोता भैया ध्यान दे, सब गांव चिरैया मल्हार, सब गांव चिरैया मल्हार, सुआ के ब्याहे मार। मस्ती में बैठा भुजंगा गावे, मस्ती में बैठा भुजंगा गावे, भुजंगा गावे, भुजंगा गावे, ठाकुर की करे पुकार, ठाकुर की करे पुकार, सुआ के ब्याहे मार।
गिरैया मल्हार बुआ के ब्याहे मार। ललमुनिया सब ट्वाटै रगाए, ललमुनिया सब ट्वाटै रगाए, बैठे कदम की डार, बैठे कदम की डार सुआ के ब्याहे मार। लाल जांघिया बुलबुल पहिरे, लाल जांघिया बुलबुल पहिरे, अंगिया है गोटेदार, अंगिया है गोटेदार सुआ के ब्याहे मार। कहे प्रमोद बहुत मन भायो, कितनी निराली है छटा वहां की बंदो। कहे प्रमोद बहुत मन भायो, पच्छिन के अनुराग सुआ के ब्याहे मार। भक्तों खूब राग मल्हार हो रहे हैं, बड़ा धूम मची है पक्षियों में। इधर भोजन तैयार हुआ, जब भोजन तैयार हुआ सारस ने बिगुल बजा दिया, भोजन भयो है तैयार तबे, भोजन भयो है तैयार तबे, सारस ने है बिगुल बजायो, अब करो चले जो नार सभी है समय दिया है काया हो। सारस ने बिगुल बजा दिया, भोजन तैयार है, चलो सब लोग जौनार करो। भक्तों सभी पक्षी जौनार करने जा रहे हैं। हुदहुद से शुतुरमुर्ग काय लगा, सत्तारी बैठो कम से कम भातुई परस दो। हुदहुद से बोला शुतुरमुर्ग, हुदहुद से बोला शुतुरमुर्ग, तुम परसो चली कहे भात सुनो। हुदहुद से बोला शुतुरमुर्ग, तुम परसों चली कहे भात सुनो। हाय 36 कोटि जाति की चिड़िया, हाय 36 कोटि जाति की चिड़िया, बैठी पाते नि पाति सुनो। लाइन के लाइन सभी पक्षी बैठ गए। बताया गया है 36 करोड़ जात की चिड़िया एकत्रित थी। श्रोता भैया ध्यान दे, सभी लाइन के लाइन पक्षी बैठ गए, जौनार होने लगी, होने लगी जौनार तबे, तिलोरी सब गारी गावे, जौनार होए लगी, तिलोरी गारी गावे लगी। खड़ैचा कहे लगा देखो गारी देहो तो सही सही गारी देहो, गलत गारी ना हो पावे। ओ भैया आजकल हमारे आपके समाज में बियाह हो तो बड़ी अजीब अजीब गारी, मैंने सुना है, एक लाइन हम आपको बता दें, कैसे माताएं गरियौती अपना अपने गरियौती, देखो जब बियाह हो और तेल पूजन के लिए जाए और जब वापस होती तो देखो कैसे गरियौती, एक लाइन हम आपको बता दें, ईमा कौन है नौरंगिया हमरो भैया लागे रे।
की माँ कौन है नौरंगिया हमरो भैया लागे रे। कहती का इमा कौन है नौरंगिया हमरो भैया लागे रे, आगे मालूम का कहती, इमा फलाने है नौरंगिया हमरे भैया लागे रे। उनकी बहिनी बड़ी दादा आगे को शब्द हमसो कहो कहो नहीं जाए, स्वयं भैया बना लिया स्वयं बहिनी बनी अपना अपने गरियौती। बड़ी अजीब अजीब गारी जोनार होने लगी तिलोरी गारी गावे, होने लागी जोनार तब तिलोरी सब गारी गावे। गारी तुम गलत देहो नाही, गारी तुम गलत देहो नाही, खड़ई चा कही कह गोहरावे। गारी गावे लगी तिलोरी कैसे गारी गोते, एक लाइन हम आपको बता दे, तुम बैठे चिटकुआ बहनोई गावे तिलोरी सब गारी विवाह। तुम्हारी बहिनी बहुत खराब है गावे तिलोरी सब गारी विवाह। गारी गावे लगी खड़ेचा काला का, देखो गारी सही सही देखो गलत गारी ना दी हो। भक्तो जीवनार होने लगी, जीवनार होने लगी, सब हंस बंस मोती चूने। बगुला के सामने जैसे आवा काला का, पहले खाओ बियाह हो चाहे भाड़म जाए। सब हंस बंस मोती चूने, बगुला सब गप गप खाई रहे। सब हंस बंस मोती चूने, बगुला सब गप गप खाए रहे। सुंदर भोजन बने विविध भांति, सुंदर भोजन बने विविध भांति, परसन वाले ललचाई रहे। सब मोती चुने बगुला झमाझम लगा लगाए दिए। भक्तो तहां कौवा नटकी जाति बैठ, कौवा एक किनारे टकटकी लगाए बैठा, कब खाना मिले कब खाए, कब खाना मिले कब खाए, क्योंकि कौवा बड़ा होशियार होता है। आप लोगों ने सुना होगा चिड़ैयन में कौवा और आदमी में नाव ठाकुर, अब तुम्हें जानो हम कहे जाने। बड़ा होशियार एक तरफ टकटकी लगाए बैठा, कब खाना मिले कब खाए, बड़ा मगन। तहां कौवा नटकी जाति बैठ, एकदम टकटकी लगाए है। तहां कौवा नटकी जाति बैठ, एकदम टकटकी लगाए है। वह काव काव चिल्लाए रहा, वह काव काव चिल्लाए रहा, बहुत तक गोहराव मचाए है। कौवा एक टकी लगाए बैठा, कब मिले कब खाए, गरुड़ ने फटकार दिया पागल कहीं का। तब गरुड़ देव हानि कहे डांटो, चुप्पे नाए बैठ रिश्तेदार खाए हुए तो पाचे तुम खवाए दी है। तब गरुड़ देव हानि कहे डांटो, तुम बैठो चले चुपाए अभी, सब नाते दार खाए हुई है, सब नाते दार खाए हुई है, तब पाछक द्याब खवाए तभी। गरु ने फटकार दिया मारे डर के मारे, बेचारा एकांत में बैठ गया शांत होकर के। जोनार हो रही है, इधर पड़ुकी नाउन बन गई, तुरंत दुल्हनिया श्रृंगार कर लिया ले आई। तब पड़ुकी नाउन झट से है दुल्हिन का संगमा ले आई।
तब पेड़ की नाव निझटस है, दुलहिन का संग मां ले आई। छिटपुआ सुआ का बहनोई भक्तो, तोता का बहनोई चिटकुआ बड़ा मगन। चिटकुआ सुआ का बहनोई घट पीढ़ा पर है बैठाई। पड़ुकी नाउन बन गई, तुरंत दुल्हनिया श्रृंगार कर लिया ले आई। चिटकुआ तोता का बहनोई बड़ा मगन। अब भैया एक विशेष बात है, सालक शादी हो तो बहनोई की अगुवाई ज्यादा रात, लेकिन एक बात है भैया, अगर बहनोई के साथ ससुराल जाओ तो 100 कदम दूरी रहो। बहनोई खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है बहनोई, बड़ी बुरी बलाए। भक्तो आओ हम आपको बता दें, एक बीती बात बता दें, बहनोई बड़ा खतरनाक। एक भैया जी थे, उनके सालक बियाह, सोचे लगे बियाह हम जाग तो परवे कर ही, अगर ना ही तो बड़ी बदनामी हुई, क्योंकि सालक बियाह देखो बहनोई साहब, सालक बियाह हो तो दौड़े दौड़े घूमत, बूढ़ा नाची नाची घूम है। बंदो सोचे लगे अगर बारात जाए न पड़त तो सबसे बढ़िया रहे, घर में रहते तो बड़ा आनंद हो, तो क्योंकि सारी सराह जाए बड़ा मंगन। सोचे लगे लो घर से देर में चले, गर्मी का मौसम था, सर में रुमाल कस लिया, देर में चले। इधर बारात विदा हो गई, औरतें बारात विदा करके आई, इधर बहनोई साहब बड़ी देर में पहुंचे। सास देखे दामाद देवता आए, क्योंकि सास दामाद से बड़ा प्रेम करती, देखो दामाद देवता आ जाए तो बूढ़ा नाची नाची घूमे। टोला मोहल्ला वाले पूछे कौन आए, कहे भैया आए भैया, अपने लड़के चाहे कब हो न भैया कहे। बूढ़ा कहे लगी भैया इतनी देर में काहे आए, कहे लगे अम्मा का बतावे सर में बड़ी दर्द होत, कुछ हिम्मत ना पड़त। सास कहे लगी भैया बारात के नहीं दियो, कहे लगे अम्मा कुछ हिम्मत जाके ना पड़त। सास कहे लगी जैसी इच्छा हो वैसा करो, अगर ना जाओ तो ठीक कोई बात नहीं घर में रहो। वही तो सोचते रहे घर में रह मिल जाए तो बड़ा आनंद आवे। नीम की छाया में पलंग पड़ा, वह बढ़िया वाली कालीन बिछी, बहनोई साहब लेटे पलंग। और भैया जब बारात विदा हुई जात तो बारात में लड़का और जवान सब चले जात, खाली बुढ़वा बचत द्वारा बचावे के लय। बुढ़ौना एक डंडा लिए पड़ोसे में लेटा, नीमिक छायम पलंग पड़ा, बहनोई साहब लेटे। उधर औरतें बारात विदा करके आई, और जब बारात विदा हो जात तो घर में बड़ा सुनसान हुई जात। औरतें बारात विदा करके आई, बंदो बरायत पठई सब है मेहरी, बैठी गई आंगन कोई देहरी, तो गाईनी देवीन के दुई छंद तुरत ढोलक करी दी। आंगन गम गम मची एक नाय हजारों गाना, मैं फुलवा झारी बलम मोरे भमरा, मैं फुलवा झारी। सास मोरी रानी ससुर मोरे राजा, सास मोरी रानी ससुर मोरे राजा, मैं फुलवा झारी बलम मोरे भमरा, मैं फुलवा झारी। बहनोई साहब लेटे लेटे देखे, सारी सराजे कहला कि बहनी जीजा लेटे, जीजक ले गाना गाए दो। और जैसे जीजक नाम सुना, जीजक बिजली जैसो करंट दौड़ी गवा, उठ के पलका पे बैठ गए। सारी सराजे जीजक ले गाना गावे लगी, कैसे दुई नगीना जड़े नथुनी पर, दुई नगीना जड़े नथुनी पर, सोने के थारा में
भोजना बनायो भला बताओ। अरे बटुली के नीचे आंच कम रह जा तो चावल कतई पकत ना है, थारम कैसे चावल पकई। सोने के थारम, सोने के थारा में भोजना बनायो, जेवई जीजा, जेवई जीजा नजर नथुनी पर, गंगा न गेरुआ में जल भरी लाई, ना तो गंगा है न गेरुआ जल काहे में बांध लाई। गंगा न गेरुआ में जल भरी लाई, ऊटई जीजा नजर नथुनी पर, जैसे जीजा सुने सोचे लगे हमारे लगे तो का हम ना गाय पाए। तुरंत पलका से आगे जहां औरतें गाय रही रहे, फसाइन टांगन रस्सी ढोलक बजाइन, डमक डमक ढोलक बजी गाना शुरू। कैसे करू रे जीवन मुखरा, जीवन हुआ अभागा, नथुनिया नथुनिया कागा ले कर भागा। बंदो जैसे बुढ़वा देखे डंडा लेके दौड़ा, चलो तब बुढ़वा डंडा लाए, गए जीजा तब दहशत खाए, भागे तब जीजा टटिया फार, गिरे हैरो पर कटी गई नाक, गिरे नाक कट गई, सारा चेहरा बिगड़ गया। ऐसी दशा होती है बहनोई की। बंदो मैं तो बात कर रहा था तोता का, चिटकुआ बहनोई तुरंत पीढ़ा डाल दिया। बगुला पंडित पढ़ी मंत्र तब तोता का ब्याह कराए दिन, चिमगोदरी नाते दारन की पखनन से हाँ की बयारी दिन, पंडित ने विवाह करवा दिया, चिमगोदरी निस्तदान के पखनन से बयार हांक दिया, हुई गा यही विधि से तब विवाह। फिर सुआ के घर नारी आई, नेगे हित नोचे चिल्हरी जानो, हम नेग कहूं पर ना पाई, से तोता का विवाह हुआ। तोता के पिता बड़ा मगन, तब सुआ के बप्पा भये मगन, तब सुआ के बप्पा भये मगन, सिर पर है पाग बंधो भारी, कहते हैं प्रमोद सुनो भैया, कहते हैं प्रमोद सुनो भैया, पछिन अनुराग बहुत भारी, कार से आप लोगों ने मेरे द्वारा गोल्ड ऑडियो कैसेट कंपनी के माध्यम से इस तोता के विवाह के प्रसंग को श्रवण किया। बोलो श्री राम जय जय राम।